गोरखा हित सर्वोपरि। जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है। और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा, वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। श्री सुकेंद्र से कर रहे हैं। Of citizenship in Assam, 11 lakh are Bengali Hindus. Although majority of them produce document in support of their citizenship, they have been excluded. My question is, will the government grant citizenship to all genuine affected Indians out of NRC without waiting for 6 years? Right. Kantriji. Manivari, phir se citizenship अमेंडमेंट बिल का सवाल पूछ रहे। एनआरसी के अंदर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। एक सेकंड, मेरी बात समाप्त होने दीजिए ना। एनआरसी के अंदर आज जो नागरिक बने हैं, इनका रजिस्टर बनाने की व्यवस्था है। इसके अंदर इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं हो सकता। मगर ये बात सही है, सरकार मानती भी है कि जो हिंदू शरणार्थी आए हैं, बौद्ध, जैन, सिख, क्रिश्चियन और पारसी शरणार्थी है, सारे को इस देश की नागरिकता मिलनी चाहिए। और इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाकर हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, ये सारे धर्म के शरणार्थी जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, उनको वो बिल के अंदर